वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। यह पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे सभी वीडियो फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे केवीएस, टीजीटी, फिजीटी, कैलटी, अदर स्टेट कोई भी एग्जाम हो, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल वीडियोज एंड एमसीक्यूज चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज सभी प्रैक्टिस कराए गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि हृदय में कौन सा निलय यानी कि वेंट्रिकल बड़ा होता है। तो कौन सा वेंट्रिकल बड़ा होता है दोस्तों? बाया वेंट्रिकल यानी कि निलय बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के निलियों को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो हृदय के निलियों को विभाजित करने वाली रेखा का नाम है सेप्टम। नेक्स्ट है, बार बार अभ्यास करने से खिलाड़ी का हृदय बड़ा व मजबूत हो जाता है, उस हृदय को क्या कहते हैं? तो इस हृदय को कहा जाता है एथलीट हार्ट। नेक्स्ट है, एक अच्छे खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? तो एक अच्छे खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 110 एमएल होता है। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? तो एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम 70 एमएल होता है। नेक्स्ट है, अगर खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम 70 एमएल है तो खेलते समय उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो खेलते समय उसका लगभग 150 एमएल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते किसे हैं? तो जब एक धड़कन में हृदय के द्वारा रक्त शरीर की तरफ पंप किया जाता है, तो एक धड़कन में जितना रक्त पंप किया जाता है हृदय के द्वारा, उसी को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 एमएल। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 एमएल। जबकि हमारा जो हृदय कितना बार धड़कता है? एक मिनट में 72 बार। तो एक बार एक धड़कन में जितना रक्त हृदय शरीर की तरफ पंप करता है, उसको कहते हैं स्ट्रोक वैल्यू। इसका मान होता है 70 एमएल। और एक मिनट में जितना हृदय शरीर की तरफ रक्त को पंप करता है, एक मिनट में जितना, उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 एमएल और हार्ट रेट होता है 72। दोनों का आप गुणा करेंगे तो आएगा 5.04 लीटर, यानी 5 लीटर के बराबर आपका आएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट आपका होता है 5 लीटर और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 एमएल समान व्यक्ति का। बट वही खिलाड़ी एक अच्छा प्रशिक्षित खिलाड़ी हो जाएगा तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा 110 एमएल, यानी कि जहां पर वो एक धड़कन में 70 एमएल रक्त को पंप करता था, वही प्रशिक्षित खिलाड़ी हो जाएगा तो एक धड़कन में 110 एमएल रक्त को पंप करेगा। और जब वो अभ्यास कर रहा है, अगर कोई खिलाड़ी अभ्यास कर रहा है या खेल रहा है, उस समय 150 एमएल प्रति धड़कन वो पंप करेगा, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम उसका 150 एमएल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल क्रिया विज्ञान में एक खिलाड़ी के हृदय को किस नाम से जाना जाता है? तो खेल क्रिया विज्ञान में एक खिलाड़ी के हृदय को एथलीट हार्ट के नाम से जाना जाता है। तो खेल क्रिया विज्ञान में क्या होता है दोस्तों, कि अभ्यास करते करते हृदय
का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे ज्यादा मात्रा में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ज्यादा मात्रा में हृदय का आकार बड़ा हो जाता है तो ज्यादा मात्रा में हम रक्त पंप किया जाता है शरीर की तरफ, और हृदय इस ऐसे हृदय को हम कहते हैं एथलीट हार्ट। नेक्स्ट है, आराम की स्थिति में एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है। तो दोस्तों, कार्डियक आउटपुट का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट, यानी 70 आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ, हार्ट रेट आपका 72 हुआ, दोनों का गुणा करेंगे आपका 5.04 लीटर आएगा। तो यहाँ पे 5 लीटर के लगभग आपका होता है स्ट्रोक वॉल्यूम आराम की स्थिति में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट निकालने का सूत्र क्या है। तो इसको निकालने का सूत्र है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। ठीक है, नेक्स्ट है, अभ्यास के दौरान एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट कितना होता है। तो अभ्यास के दौरान एक व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट होता है 25 लीटर। नेक्स्ट है, एक अच्छे खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान कार्डियक आउटपुट कितना होता है। तो कितना होता है, 40 लीटर। ठीक है, यानी वैसे तो आराम की स्थिति में हार्ट रेट होता है 5 लीटर के लगभग, जब अभ्यास कर रहा है उस समय आपका 25 लीटर के लगभग, और एक अच्छे खिलाड़ी का, एकदम अच्छा खिलाड़ी है, उसका अभ्यास के दौरान कार्डियक आउटपुट 40 लीटर के लगभग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे खिलाड़ी का आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है। हार्ट रेट यानी कि हृदय धड़कन कितना होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा हृदय धड़कन होता है प्रति मिनट 72 बार होता है, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी की आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है, 40 से 55 बार। जहां आप 70 से 72 बार होता है, वही आप अच्छा खिलाड़ी हो जाते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो आपका 40 से 55 बार, यानी आराम से हृदय बड़ा हो जाता है, तो आराम से सांस लेता है, निकालता है धीरे धीरे, जिसे आप कोई भी क्रिया करते समय जल्दी नहीं थकेंगे। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति का आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं 72 बार होता है, तो यहाँ पे जब ऐसे देगा तो 70 से 80 बार सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी का हार्ट रेट कितना होता है। तो कितना होता है, 160 से 180। जैसा कि दोस्तों आपका हार्ट रेट कितना है नॉर्मली, 72 बार प्रति मिनट, और जब अभ्यास करते हैं तो आपका वही हार्ट रेट हो जाता है 160 से 180 प्रति मिनट। यानी जहां एक मिनट में आपका हृदय 5 लीटर रक्त पंप करता था, वही आपका 30 से 40 लीटर पंप करने लगेगा। नेक्स्ट है, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है। तो नॉर्मली तो 300 से 350 ग्राम होता है, बट एक प्रशिक्षित खिलाड़ी हो जाएगा तो उसके हृदय का आकार बढ़ जाएगा और 500 से 550 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति के हृदय का भार कितना होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति के हृदय का भार 300 से 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का आयतन लगभग कितना होता है। तो एक अच्छे खिलाड़ी का हृदय का आयतन 14 एमएल प्रति केजी या बॉडी वेट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक सामान्य खिलाड़ी के हृदय का आयतन कितना होता है। तो सामान्य खिलाड़ी की बात करें तो हृदय का आयतन 11.9 एमएल प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट होता है। अच्छे खिलाड़ी का 14 एमएल प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट और एक सामान्य खिलाड़ी का 11.9 एमएल प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान हृदय का आयतन कितना होता है। जब अभ्यास कर रहा है तो उस दौरान आपका रहेगा 20 एमएल प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट। नेक्स्ट है, शारीरिक अभ्यास का लाल रक्त कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट है, शारीरिक अभ्यास का श्वेत रक्त कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पे श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या जो है, मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। श्वेत रक्त कोशिका क्या करती है? हमारे शरीर को बैक्टीरिया से रक्षा करती है, बीमारियों से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शारीरिक अभ्यास के दौरान करण लैक्टिक एसिड बनने की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, शारीरिक अभ्यास करेंगे डेली बेसिस पर, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो जो लैक्टिक एसिड है वो कम मात्रा में बनेगी, जिससे हमारा थकावट कम होगा, तो इसकी मात्रा क्या होगी? घटेगी। नेक्स्ट है, मांसपेशियों तथा लीवर में ग्लाइकोजन संग्रहण पर अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि अभ्यास करेंगे, अच्छे अभ्यस्त हो जाएंगे, तो अभ्यास से हमारा जो पेशियों में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, उसके संग्रहण की जो मात्रा होता है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यायाम से ब्लड वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ता है। लगातार अभ्यास के कारण रक्त में शुगर की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक अभ्यास करते समय हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, शुद्ध रक्त तेजी से मांसपेशियों तक पहुंचता है और हृदय के दाएं नीले द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त तथा अशुद्ध रक्त बाएं नीले से शरीर की मांसपेशियों तक जाता है तथा रक्त में बुफर क्षमता आ जाती है और मांसपेशियों में अधिक वाहिनियां खुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार बार शारीरिक अभ्यास से हृदय मजबूत व बड़ा हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको एथलीट हार्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के अंतर पर क्या प्रभाव पड़ता है? को उसको क्या कहते हैं? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के अंतर को पल्स प्रेशर बोलते हैं। जैसा कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब बाएं नीले से रक्त महाधमनी में जाता है तो रक्त जाते समय जो दाब धमनियों पर पड़ता है उसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। एंड डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब बाएं नीले में रक्त आता है बाएं अलेंद से, तो उस समय धमनियों पर जो कम दाब पड़ता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को पल्स प्रेशर बोला जाता है। नेक्स्ट है, रक्त प्रवाह धमनियों यानी धमनियों का व्यास स्क्वायर नमक सूत्र क्या मापता है? तो यह मापता है रक्त प्रवाह का वेग मापता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये था आपका रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस, जो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।